ऐसे फिगरों की तलखी बढ़ रही है चाइना की और अमेरिका की, और दुनिया जो है वो दो पोल्स में इस वक्त और एक सर जंगी की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये इंडो पैसिफिक कमांड और फौजें और हांगकांग और ये सारा, ये एक, हाँ ये एक बहुत जो है ये तल्ख मामला हो रहा है। लद्दाख के ऊपर जो है वो आगे आ गई ये फौज, ट्रंप ने बीच में मीडिएशन की कोशिश की, चाइना ने कहा कि हम नहीं करना चाह रहे, सूडान चाइना जो है वो हैफा तक आ गया है, इसराइल में आ गया है, उनके 28 दिन रह गए हैं एनेक्सेशन उनकी होनी है। अब उस पूरी पिक्चर में जो जिस जगह पे मोदी ले गए हैं इसको, देखिए एक होती है पार्टनरशिप, अब इंडो इंडो जो पैसिफिक कमांड है जो भी है वो बनाई किसके लिए गई थी, पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थी, बनाई गई थी वो चाइना को कंटेन करने के लिए। वक्त आया और इसके ऊपर अमेरिकन थिंक टैंक्स पहले भी कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, पर क्या इंडिया खड़ा होगा? इंडिया खड़ा नहीं, ठीक है, इंडिया क्या तिब्बत को बचा लेगा? इंडिया नहीं बचा पाया, इंडिया अपने बॉर्डर्स को नहीं बचा पाया। क्या इंडिया ताइवान के लिए जाएगा? लोग कह रहे थे नहीं जाएगा, वो नहीं किया। क्या ट्रंप जाएगा ताइवान के लिए? ट्रंप भी नहीं जा सकता। तो वहां पे हंगामे हो रहे हैं इस वक्त, वहां पे हंगामे हो रहे हैं, और 800-900 उन्होंने पेंटागन से मंगवा ली है कि वॉशिंगटन डीसी को काबू करें। अब मसला यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में इंडिया की क्या गलती है? इंडिया की गलती नहीं है, गलती है मोदी की। लेकिन होता ही हमेशा से ये होता रहा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स, मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स अपने दरवाजे खुले रखते हैं कि इस तरह से हम बात करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मूव करेंगे। इंडिया का एक बड़ी जबरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा है कि उनकी जमहूरी वैल्यूज जो है वो क्या जबरदस्त। ये जब से वहां पर आप समझ रहे हैं कि ये कोई वहां पर दाइश की हुकूमत है, इस तरह समझ लें, ठीक है, तालिबान की भी दाइश की, अब ये समझ लें जो लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। अब सवाल ये है कि उस बंदे जुदगी में जिसके लिए सारे असूल नजरअंदाज कर दिए मगरिब ने, वो फिर उसने देखा कि अच्छा मैं यहां पर इंडिया को, कश्मीर को छोड़ के इस्लाम के पर आ गए, इस्लामोफोबिया फैलाना शुरू किया, छोड़ देंगे, मालदीव ने क्या किया, यूएन वूएन में इसको छोड़ दें, रोगी ना। ये जो इजराइल है, मुझे बताएं वहां पर चाइना को क्या दिलचस्पी है? चाइना को दिलचस्पी इसराइल में नहीं है, चाइना को दिलचस्पी बंदरगाहों में है, बंदरगाहों में है ना, बंदरगाहें दो ले ली वहां पे, हैफा की और दूसरी, और पोर्ट बना रहे वहां पे, इसराइल हो या इसराइल ना हो, फलस्तीनी बैठे वो कहेंगे 5 दे देते हम, हमें दे दें हमारा ये लैंड पूरा, हम आपको 5 बंदरगाहें दे देंगे, चाइना कहेगा ठीक है, उनको तो वो तो बिजनेस इनिशिएटिव है ना। और यूरोप जो है वो पैलेस्टीनियंस की तरफ उनका उनकी इंक्लिनेशन है, तो बात यह है, तो फिर क्या करेंगे? नतन्याहू को डब्बे में डाल के कंटेनर में बंद करके मोदी के पास भेज देंगे, एक दलाई लामा आएगी, वो दो चार जो रह गए हैं। बात यह है कि इन्होंने ये डील वील तो छोड़ दें आप, डील होते थे जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मालिक हैं अरब ममालिक ने अपने रस्ते खुले छोड़े, उन्होंने चाइना के साथ भी, शेख जैद, किंग सुलेमान, ठीक है, ये सारे लोग, MBS, कतर के अमीर, तमाम लोग गुजरे सालों में जाते रहे हैं चाइना, और जाकर वहां पर ये उनके, ये फिर उनके थिंक टैंक से रिपोर्ट, द नेक्स्ट चैलेंज टू इजराइल, इजराइल के लिए क्या चैलेंज है? अमेरिका क्या कह रहा है कि हमारे और इजराइल के लिए क्या चैलेंज है? चाइना, ये उनके थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर चाइना हमारे, इसराइल और हमारे दरमियान घुस गया है, क्योंकि दो तिहाई जो टेक्नोलॉजी थी जिस, जो अमेरिका के साइबर वॉरफेयर और स्पेस को टैकल कर रहा था, उसके अंदर चाइना की मेंबरशिप आ गई है, चाइना उसमें घुस गया 2/3 टेक्निकल कंपनीज के अंदर। अब बात यह है कि ये चाइना की आउटरीच हो गई है, चाइना आज की तारीख में यानी अप्रैल और मई सबसे ज्यादा अगर ऑयल गया है, भाई इन मुल्कों के ऑयल तो कहीं गए हैं ना, तो कहां गए? अमेरिका का, अमेरिका को तो ऑयल नहीं चाहिए, और ये भी तय हो गया कि अमेरिका पीछे हट जाता है बुरे वक्त में, ताइवान से पीछे हट गया, ताइवान को लड़वा के पीछे हट गया, हांगकांग में मुजाहरे हो रहे हैं, हांगकांग ने शटअप कॉल दे दिए कि इसके अंदर हांगकांग हमारा अंदरूनी मामला है, ट्रंप को उन्होंने कहा कि हमारा और इंडिया का मामला है, तुम बीच में लद्दाख में सारे की पॉलिसी मत कर रहे हो, ये हमारा मामला है, आप देखिए शटअप कॉल गई है ना सीधी ट्रंप। इस सूरत हाल में मुझे बताएं कि अगर कशीदगी पैदा होती है तो वहां पैसिफिक कमांड उतरेगी,
बॉर्डर के ऊपर इंडिया को भेजा, और ये इंडिया का मामला भी नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूँ ये मोदी का मामला है। इंडिया हमेशा सारे टोकरे लाके डाल दिए मोदी ने नमस्ते ट्रंप के टोकरे में, और वहां मुसलमानों के साथ जो मारना है मारो, वहां सिखों को मारो, वहां लोगों को दान कर दो, गर्दने काटो, जूते मारो, डंडे मारो, तौहीन करो, तौहीन रिसालत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की, औलिया जो करने करो, अगर ट्रंप पीछे। अच्छा उसके अब मामला ये है कि ये चलेगा नहीं, इसलिए नहीं चलेगा कि 7 से 8 मिलियन इंडियन जो कि जबरदस्त इंडिया, और आप इंडिया को देखें केरला के खास तौर पे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट इन छह जो, और केरला में हमेशा हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सारे इकट्ठे रहे, ये सारे के सारे जो इंडियंस हैं ये खलीजी रियासतों में हैं। ठीक, ब्रेक ले, अब खलीजी रियासतें चली गई हैं चाइना के साथ, उन्होंने हवाई के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया। ठीक है, आपसे मजीद